हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम गाइडन का चैप्टर नंबर 82 देखेंगे, जो कि है फीमेल फिजियोलॉजी बिफोर प्रेगनेंसी एंड फीमेल हॉर्मोन्स। तो इससे पहले हम क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 81 देख चुके हैं, जो कि था मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है फीमेल हार्मोनल सिस्टम। तो फीमेल हार्मोनल सिस्टम में सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास तीन जगह हैं, तीन ऑर्गन्स हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे, और ये तीन जगह पे ही, यानी ये जो एक तरीके से आप इसको गेम समझ लें, जो ये तीन प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे फीमेल हार्मोनल सिस्टम में। सबसे पहले तो आपको तीन नाम याद करने हैं, कौन सा, एक हाइपोथैलेमस, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक ओवरीज। सही है, लेकिन क्या करना है कि इनको इसी ऑर्डर में याद करना है, मतलब ये प्लेयर नंबर वन है, ये प्लेयर नंबर टू और ये प्लेयर नंबर थ्री है। सही, सबसे पहले क्या, हाइपोथैलेमस, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर ओवरीज। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है इन प्लेयर्स के आगे ये कैपिटल में हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको ये भी इसी ऑर्डर में ही याद करना है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये भी आपको इसी ऑर्डर में याद करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे निकलता है हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये मेन प्लेयर है। ठीक है, ये निकलेगा तो बाकी गेम आगे बढ़ेगी, अगर ये प्लेयर नहीं खेलेगा तो फिर आगे कोई गेम नहीं चलेगी हमारे पास। तो सबसे पहले आपके पास हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सही, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल गया आपके पास किससे, हाइपोथैलेमस से, तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, हाइपोथैलेमस से निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से ये निकला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम अपने अंदर से FSH और LH को निकालो। ठीक है, होगा क्या कि ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा और ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, ये गेम है। सही है, हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ओवरीज को ऑर्डर देगा। तो हाइपोथैलेमस ने अपने पास से भेजा किसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल आया, अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि तुम अपने अंदर से भी दो हार्मोन्स निकालो, एक FSH और एक LH। जब FSH और LH निकल आएगा तो फिर वो क्या कहेंगे, ओवरीज को, FSH और LH कहेंगे ओवरीज को कि अब आप अपने अंदर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन निकालें। सही है, अब आप लोग ये कहेंगे कि ऐसे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कितना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन भी निकलता आ रहा है, FSH भी निकल रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन भी निकल रहा है। तो होगा क्या कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट के ज़रिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो आगे FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन तो निकल ही नहीं सकता ना। तो ये क्या है हमारे पास मैकेनिज्म कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो वो खुद ब खुद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को शट डाउन कर देगा, ताकि मज़ीद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हमारे ब्लड में ना इंक्रीज हो। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो वो रिवाइंड करके भी देख सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओवेरियन साइकिल।